उत्तराखंड की संस्कृति और लोक पर्व उत्तरायणी में घुघुतिया त्यौहार को वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य की पहल पर हल्द्वानी जेल में भी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सदाचार शिष्टाचारों कैदियों के व्यवहार में सुधार के लिए चर्चित वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य भी कुमाऊनी बोलते हुए कैदियों के साथ झूमते नजर आए और उन्होंने रंगारंग कार्यक्रम के साथ उत्तरायणी की बधाई देते हुए बंदियों को बधाई दी। इस दौरान जेल में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। नाइजीरियन कैदी का डांस भी काफी रोमांचक रहा। गौरतलब है कि कुमाऊं के सबसे ज्यादा कैदियों की संख्या वाले हल्द्वानी जेल में त्योहार व अलग अलग पर्वों पर विशेष रूप से कार्यक्रमों का आयोजन किए जाते हैं। यही नहीं, वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य की कैदियों के प्रति उनके व्यवहार और सदाचार को सुधारने की लगन जेल में बेहतर माहौल बनाने की काम आई है। यही वजह है कि हल्द्वानी जेल इन कार्यों के लिए काफी चर्चित रहे हैं। पहली तो आप सबको मेरी ओर से जो है उत्तरायणी त्यौहार बहुत बहुत बधाई छो। यो हमार उत्तराखंड लोक पर्व छो और हम एक हर साल बहुत हर्षोल्लास मनानू। और इस कार्यक्रम का जेल में मनाने का उद्देश्य है कि ये जो त्यौहार है हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व है और हर साल जो है बहुत हर्षोल्लास से पूरे उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। और इस बार कोरोना का जो समय चल रहा है, जो कोरोना का प्रकोप चल रहा है, उसकी वजह से शायद राज्य में ये कम उत्साह से मनाया गया। और हमारा प्रयास है कि जेल में भी जो है जो हमारा जो ये सांस्कृतिक पर्व है ये मनाया जाए और उसी उत्साह के साथ मनाया जाए जिस उत्साह के साथ ये जेल से बाहर ये पर्व मनाया जाता था। और चूंकि जेल में विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, बहुत उनकी अलग अलग परंपराएं हैं, तो वो भी जो है इस कुमाऊनी संस्कृति से, जो हमारी राज्य की संस्कृति है, उस संस्कृति से परिचित हो, ये भी इस कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य है। ठीक है सर।